Okay, students, so hello, and we are going to start with a new chapter, that is hereditary and evolution. That is the last chapter of our biology. Iske baad humare environment ke do chapters reh jayenge. That is wo dono environment ke chapters hai. Biology ka humara ye last chapter hoga. Okay, to shuru karte hai hereditary and evolution wala chapter. हेरिडेटरी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करता है. द एंसेस्ट्रल लीनिएज लुक्स अलाइक. इसका मतलब जो पेरेंट्स है वो बच्चों को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, जिसकी वजह से एक हाथी हाथी पैदा करता है, एक काउ काउ पैदा करती है, एक रैट रैट पैदा करता है, एंड ह्यूमन बींग या मैन मैन पैदा करता है. ठीक है, वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब है कि चाहे हम, ये मैं बात कर रही हूँ लोअर एनिमल्स की भी, हायर एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी एंड एनिमल्स की भी, ये सब सभी की बात है, सारे ऑर्गेनिजम्स की यही बात है कि जो ऑर्गेनिजम्स है दे लुक अलाइक. सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, बाल है, फेस है, चिन है, फोरहेड है, सबका फेस स्ट्रक्चर भी सेम सिमिलर होता है, बट फिर भी उनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है. कि जैसे हमें पता है कि किसी की भी शक्ल सेम नहीं होती है, हर बंदे के फेस पे दो आंखें, एक नाक, एक मुंह लगा होता है और दो कान लगे होते हैं, बट फिर भी किसी की शक्ल क्या होती है, सेम नहीं होती है. दैट इज मेंट बाय वेरिएशन. इसका मतलब क्या है, वेरिएशन की एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो सिमिलर है फिर भी क्या है, उनमें डिफरेंसेस है. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन रिकॉग्नाइजेबल हेरिटेबल फीचर्स सच एज हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ हेयर एंड आईज, शेप ऑफ नोज एंड चिन एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट इज मेंट बाय दिस, ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. चाहे फेस कलर है, चाहे हमारी स्किन का कलर है, चाहे आईज का कलर है, चाहे हाइट है, चाहे शेप ऑफ नोज है, चाहे शेप ऑफ चिन है, कुछ भी है, दीज आर द कैरेक्टर्स. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट. मतलब हाइट है, हाइट इज अ कैरेक्टर, लेकिन छोटी हाइट इज अ ट्रेट एंड बड़ी हाइट इज द अनदर ट्रेट. मतलब टॉलर एंड शॉर्टर, दीज आर ट्रेट्स. वैसे डार्क एंड लाइट स्किन, दीज आर ट्रेट्स. Black and golden color hair, these are traits. Alternative form, opposite forms of a character are called traits. The inheritable characters or traits may be morphological, anatomical, physiological or reproductive. देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे characteristics heritable हैं, जो हम inherit कर रहे हैं, वो traits क्या हैं? Morphological हो सकते हैं, दिखने वाले हो सकते हैं. जैसे कि हमारे फेशियल कैरेक्टर्स हैं, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जिस टाइप का हमारे पेरेंट्स का स्ट्रक्चर है अंदर से, ब्लड वेसल्स का, हार्ट का, किडनीज का, वैसा ही हमारा होगा. जैसे वी आर सेंसिटिव, तो ये सब क्या हो गए, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजी. किसी की डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, ये चीजें भी हेरिटेबल होती हैं. हाँ, लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट पड़ता है. लाइफस्टाइल से तो हर चीज पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, फिजियोलॉजिकल है. और रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक चाइल्ड के, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, या फिर स्पर्म काउंट, स्पर्म मोर्टिलिटी, ये सारी चीजें भी क्या करती है, डिपेंड करती है फ्रॉम पेरेंट्स. ये सारी चीजें भी इनहेरिटेबल है. द ट्रांसमिशन और पासिंग ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होती है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को जा रहे हैं, दिस इज नोन एज हेरिडिटी. The occurrence of small differences or changes among the individuals of species is called variations. Heredity मतलब genes का या characters का transfer होना, and variation मतलब transfer, characters के transfer होने के बावजूद हम में थोड़े से differences रहते हैं,
that is called variation. Hereditary variations are of great importance in the process of evolution of new species. अब देखो जैसे कोई आदमी है उसकी स्किन क्या है डार्क है, उसने एक लाइट स्किन वाली लेडी से मैरिज कर ली तो उसके बच्चे की स्किन क्या होगी, दैट विल बी नाइदर टू डार्क नॉर टू लाइट, तो ये क्या होगी एक टाइप की वेरिएशन हो गई, ठीक है। वैसे ही ये वेरिएशंस क्या होती है, हेरिटेबल एंड हेल्पफुल होती है। मतलब हेल्पफुल कैसे होती है, जस्ट सपोज जस्ट इमेजिन वन थिंग, दैट थिंग इज की किसी की फैमिली में बहुत ज्यादा डिसीजेस चल रही है, सबको ही एक प्रॉब्लम हो रही है, वो है डायबिटीज। आप किसी ऐसी लेडी से मैरिज कर लो जिसकी फैमिली में डायबिटीज है ही नहीं, तो आपकी फैमिलीज में भी डायबिटीज की जो अकेरेंस है उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द थिंग एंड दीज काइंड ऑफ वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर वेरिएशंस नहीं होंगी ना इस टाइप की, तो जो कैरेक्टर्स हैं रिसेसिव वाले, गंदे वाले कैरेक्टर्स, डिसीज्ड कैरेक्टर्स, उनका नंबर इंक्रीज होता रहेगा एंड जनरेशन टू जनरेशन वो जनरेशन वीक होती रहेगी एंड अल्टीमेटली उस जनरेशन के पास बहुत ज्यादा डिसीजेस हो जाएंगी जिसका इलाज भी पॉसिबल नहीं होगा, अल्टीमेटली वो जनरेशन ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। Thus, variations are very important for us. ठीक है, variations हैं जो वो बहुत ज्यादा important है। Asexual reproduction में किसी भी टाइप की variation नहीं होती है, अगर होती है तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम होती है एंड इनसिग्निफिकेंट होती है इन द कंपेरिजन टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जीन्स वो पार्ट्स हैं क्रोमोसोम्स के या डीएनए के, वी कैन से कि जीन्स हैव दे आर द पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स और द डीएनए सेगमेंट्स व्हिच डिटरमाइन द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीन्स है हमारे, या बेसिकली यही क्रोमोसोम है, डीएनए है, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है जो वो क्या बनाता है, जीन। ये देखो दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द सेंट्रोमियर एंड दिस इज द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, इसके जो पार्ट्स हैं, ये वाले ब्लू वाले पार्ट्स हैं, दीज आर द जीन्स। ये क्या करें, किसी भी कैरेक्टर को इनहेरिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे कि हाइट हो गई, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन देता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं हमें क्रोमोसोम्स। जीन्स आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स और डीएनए सेगमेंट्स व्हिच डिटरमाइन द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रोमोसोम का वो पार्ट जो कोई भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं हम जीन्स, ठीक है। हर जीन के जैसे कैरेक्टर है, टू अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स जैसे शॉर्टर एंड टॉलर, दीज आर द अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स एंड दीज आर कॉल्ड ट्रेट्स, वैसे ही जीन्स है। एक जीन क्या है, टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक जीन है शॉर्ट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या बोलेंगे हम, ट्रेट। हर कैरेक्टर ट्रेट, हर ट्रेट के लिए दो जीन्स होते हैं बेसिकली, तो उन दो जीन्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स। मतलब अगर ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रेट्स बोलेंगे, अगर ऑल्टरनेटिव जीन्स हैं उनको एलील्स बोलेंगे, ओके। एवरी जीन हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर, ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट इफेक्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स। Example, in the case of pea plant, stem height is controlled by two alleles, one for tallness and other for dwarfness. ठीक है, हमें भी क्या होते हैं, हमें भी हर character के लिए, हर trait के लिए दो alleles होते हैं, responsible for one trait respectively. जैसे कि अगर मेरे बाल black हैं, suppose करो कि I have black hair, तो उसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो दोनों अलील्स हैं वो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर एक अलील हो ब्लैक कलर का और एक अलील हो गोल्डन कलर का, तो मेरे बाल कैसे होंगे, ब्राउन दिखेंगे, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अलील, कि एक जीन है, जीन में भी सिमिलर और डिफरेंट, बट हर कैरेक्टर के लिए एक जीन का पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है एंड उस पेयर को इंडिविजुअली हम अलील बोलते हैं।
अलील की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, यू कैन राइट इट, यू कैन स्क्रीनशॉट इट, या किसी भी तरीके से आप देख लो इसको कि कैसे लिखना है. एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर कैरेक्टर, ईच ऑफ व्हिच प्रोड्यूसेस डिफरेंट इफेक्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म. दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स. ओके, नाउ ऑफ द टू एलील्स ऑफ अ जीन, एलील्स ऑफ अ जीन में से एक तो होता है डोमिनेंट. डोमिनेंट क्या होता है? सुपर रूलिंग. जैसे कि ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन. अगर फादर के पास ब्लैक कलर है हेयर का और मदर के पास ब्राउन कलर है, तो बच्चे का कलर क्या होगा? बालों का ब्लैक ही होगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर है दैट इज डोमिनेंट. डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव के ऊपर क्या कर देता है? ओवर रूल कर देता है, सुपर रूल कर देता है, उसको रिसेस कर देता है. एंड अदर इज रिसेसिव, दैट इज सबऑर्डिनेट और सबमिसिव. A dominant allele is the allele which hide or mask the expressions of its corresponding allele, which in turn becomes recessive. जैसे कि tall है, अगर कोई pea plant आप देखोगे वो tall है, और tall को आप dwarf के साथ cross करवाते हो, तो उसका देखोगे कि जो offspring produce हुआ है, जो new plant produce हुआ है, वो भी tall ही होगा, वो dwarf नहीं होगा, क्योंकि tall characteristic is the dominant characteristics. तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलील्स कॉन्स्टिट्यूट एन एलीलोमॉर्फ. द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप. अब सपोज करो कि किसी किसी टॉल ट्री, मेरे पास दो टॉल ट्रीज हैं. आई हैव टू टॉल ट्रीज, एक का जेनेटिक है टी टी, इसके दोनों एलील्स क्या है? इसके दोनों एलील्स टॉल वाले कैरेक्टरिस्टिक को कोड कर रहे हैं, और दूसरे का क्या है? टी टी. तो ये क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया एक ऑर्गेनिज्म का. जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप. फीनोटाइप क्या होता है? जो बाहर से दिखता है, दैट इज द फीनोटाइप. इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप. फॉर एग्जाम्पल टी टी और टी टी, वाइल द ड्वार्फ प्लांट इज टी टी, स्मॉल टी मतलब दोनों. फीनोटाइप क्या हो गया? टॉलनेस. जीनोटाइप क्या हो गया? कि वो टॉल प्लांट बना कौन से एलील से है, दोनों कैपिटल एलील से बना है या दोनों स्मॉल एलील से बना है, या एक कैपिटल है और एक स्मॉल है. फीनोटाइप का मतलब बाहर से देखना होता है कि ट्वेल्व एंड ड्वार्फ आर द फीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब देखो F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन क्या होता है. सपोज करो मैंने एक पी प्लांट लिया, तो उस पी प्लांट का जो बेबी होगा, फर्स्ट बेबी होगा, उसको मैं बोलूंगी F1 जनरेशन. उस बेबी का आगे बेबी जो होगा दैट विल बी द F2 जनरेशन. जैसे आप लोग हो, आपके दादाजी, अगर आपके दादाजी एक एक्सपेरिमेंट के ऑर्गेनिज्म है, तो आपके जो फादर है वो हो गए F1 जनरेशन, और आप जो लोग हो दैट यू विल बी द F2 जनरेशन. ठीक है. अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज इज कॉल्ड अ हाइब्रिड. सपोज करो कि मैं एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉसिंग करवा रही हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन करवा रही हूँ, तो जो भी मेरे पास प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द हाइब्रिड. उसका मतलब क्या होगा? हाइब्रिड. हाइब्रिड बेसिकली होता क्या है कि एक टॉल को एक ड्वार्फ को, दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं. तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास हाइब्रिड आ जाएगा. Now next topic is the rules for inheritance of the traits. सबसे पहले क्या किया था? Mendel conducted experiments on pea plants. Pea plants का scientific name है Pisum sativum, and this scientific name is very important क्योंकि ये आपको questions में बहुत बार पूछा जाता है that what is the scientific name of pea plant. Scientific name of pea plant is Pisum sativum, and studied the inheritance of certain characters. मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे. वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? उसका डोमिनेंट ट्रेट भी लिखा हुआ है और उसका रिसेसिव ट्रेट भी लिखा हुआ है. शेप ऑफ सीड्स लिए थे उसने, कलर ऑफ सीड्स लिए थे,
कलर ऑफ पॉड लिया था, शेप ऑफ पॉड लिया था, प्लांट हाइट ली थी, फ्लावर की पोजीशन ली थी एंड फ्लावर का कलर लिया था. देयर वर सेवन ट्रेट्स दैट ही टुक. सेवन ट्रेट्स मतलब सेवन ऑल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर उसने एक प्लांट लिया राउंड सीड वाला और येलो कलर का और ग्रीन पॉड का और फुल शेप का और टॉल प्लांट का एंड लीफ इज अ टर्मिनल एंड पर्पल कलर का फ्लावर वाला प्लांट, अगर उसने एक ये प्लांट लिया था, दूसरा उसने ऑपोजिट कैरेक्टर्स वाला लिया था, मतलब ऑपोजिट ट्रेड्स वाला लिया था, तो देखते हैं डोमिनेंट कौन सा होता है. सीड, अगर शेप ऑफ द सीड्स की बात करते हैं तो डोमिनेंट इज द राउंड. राउंड सीड्स आर द डोमिनेंट वन, रिंकल्ड सीड्स आर द रिसेसिव वन. राउंड सीड्स आर द डोमिनेंट वन, रिंकल्ड सीड्स आर द रिसेसिव वन. कलर ऑफ द सीड्स येलो इज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कलर ऑफ द सीड्स इज ब्राउन is the recessive characteristic. ठीक है, वैसे ही जो color of the pod है, green color is the dominant color, yellow color is the recessive color. seed का color है जो yellow dominant है, green recessive है, वैसे ही pod का color है जो green dominant है and yellow क्या है, recessive है. शेप ऑफ द पॉड जो है फुल, फुल शेप मतलब फूली हुई जो मटर वाली पॉड होती है वो, फुल शेप इज द डोमिनेंट वन एंड कंस्ट्रिक्टेड मतलब रिंकल्ड मतलब जो खराब से हो जाते हैं, दैट इज द रिसेसिव कैरेक्टर. टॉल प्लांट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड शॉर्ट प्लांट इज द रिसेसिव कैरेक्टर. पोजिशन ऑफ फ्लावर एट द लीफ जंक्शन is the, yeah, it is the dominant character and tips of the branches is the recessive character. Flower color purple is dominant character and white flowers are recessive character. Mendel ne kaun se liye the? Mendel ne seven characters, seven traits, kyunki seven alternative characters usne liye the, usme se one was dominant and other is the recessive. इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको आप याद रख लो, gravity, gravity वाले सारे हैं ये dominant characters हैं. green pod, green pod, राउंड सीड, एक्सियल फ्लावर, एक्सियल मतलब जंक्शन पे जो फ्लावर है, एक्सियल फ्लावर, वायलेट कलर ऑफ फ्लावर inflated मतलब full pod, जो pod shape है वो full होनी चाहिए, inflated pod, tall plant and yellow color of seed. these are the dominant characteristics जो Mendel ने choose किए थे. अब इसके आप रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना सकते हो. ग्रीन पॉड का जो रिसेसिव कैरेक्टर है दैट इज द येलो पॉड, राउंड सीड का रिंकल्ड सीड, एक्सियल फ्लावर का टर्मिनल फ्लावर, वायलेट कलर का वाइट कलर, इन्फ्लेटेड का कंस्ट्रिक्टेड पॉड, टॉल प्लांट का शॉर्ट प्लांट या ड्वार्फ प्लांट, येलो कलर का ग्रीन कलर ऑफ द सीड. So these were the characteristics that were taken by Mendel. अगर ये question आता है तो ये question आपका बहुत ही ज़्यादा important होता है. This question is really really important for you people. So इसको अच्छे से याद कर. Now
अगर देखो हम एक कैरेक्टरिस्टिक से ले रहे हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया टॉल एंड टॉल, ओनली टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ले रही हूँ, तो दैट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर टॉल के साथ मैं राउंड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले रही हूँ तो दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। एंड अगर राउंड के साथ मैं येलो कलर भी ले रही हूँ तो दैट इज अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और उसके साथ ऐसे ही करके अगर मैं कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले रही हूँ तो दैट इज टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्या है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज। टॉल, राउंड, येलो, ये वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ कोई और कैरेक्टरिस्टिक भी ले रही हूँ फिर क्रॉस करवा रही हूँ तो दैट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि टॉल को मैं टी लिख रही हूँ, कैपिटल टी, मतलब डोमिनेंट वाला हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है। जैसे टॉल प्लांट, टॉल कैरेक्टर इज, टॉल ट्रेट इज डोमिनेंट, तो उसको कैपिटल टी में लिखते हैं। एंड अगर जो स्मॉल हाइट इज रिसेसिव तो उसको एस से नहीं लिखूंगी मैं, स्मॉल टी में मेंशन करूंगी ताकि पता चल जाए कि उसका जो है ऑल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसे करके ये चीजें लिखने का, मतलब ये चीजें लिखने का एक तरीका है। सो दिस इज अ थिंग एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब भी हम करते हैं तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आती है 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो आती है 1:1। अब मैं बात करती हूँ ये क्या है, मेरे पास दो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स है, ये है हमारे पेरेंट्स, कैपिटल टी वाला फादर है, स्मॉल टी वाली मदर है। जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये मीट करेंगे इंडिपेंडेंटली, ये मीट कर रहे हैं, ये मेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। तो बच्चों के पास क्या आएगा, हम इसको डिवाइड करने का फॉर्मूला लगाते हैं, टी टी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय टी एंड कैपिटल टी, दोबारा से उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना है टी इंटू टी। ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग्स निकालने का। तो हम देखते हैं ऑफ स्प्रिंग्स हमारे पास कितने टाइप के आ रहे हैं। बेसिकली इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, लेट मी टेल यू। हम चेकर्स बोर्ड बनाते हैं, इसको चेकर्स बोर्ड कहते हैं। इसमें एक चेक होता है, फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, दैट इज टी इंटू टी, और मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली दीज आर द मेल कैरेक्टर्स, फादर के कैरेक्टर्स, एंड दीज आर द फीमेल कैरेक्टर्स, मदर के कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी, ठीक है। वैसे ही कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा स्मॉल टी। फिर आ गया हमारा एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे भी क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी,